ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है, आज मैं आपको कर्ण पिशाचिनी की साधना बताने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने कर्ण पिशाचिनी की अनेकों साधनाएं बताई, परंतु वे जो साधनाएं हैं वे आप ही की तरह कुछ साधकों से के द्वारा मुझे बताई गई थी, कि जो मेरे पास समस्या को लेकर आते हैं कि जी मैंने अमुक साधना की है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है। तो मैंने उनसे जो साधनाएं, उनसे मैं लिख लेता हूं जो उनकी समस्या, जो उनकी साधनाएं होती हैं, किस प्रकार उन्होंने की भी हैं। तो इसी प्रकार के एक साधक थे मेरे पास, जो दिल्ली के मेरे पास आए थे, उनकी उन्होंने इस साधना को किया हुआ था, किंतु उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी। उस गलती के कारण ये साधना, ये शक्ति उनसे रुष्ट हो रखी थी। तो मैंने उनको उनके अनुकूल इस शक्ति को करके दिया। मैंने उनसे साधना पूछी तो वो साधना इस प्रकार की गई थी जो मैं बता रहा हूँ। आप चाहे तो इस साधना को कर सकते हैं कि इस साधना के द्वारा आप दूसरे व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की समस्त जानकारी सटीक रूप से बता सकते हैं। और ये साधना 31 दिन करनी होती है, 31 दिन रात्रि के समय में ये साधना की जाती है। और ये साधना करने के लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको गुलाबी आसन की आवश्यकता पड़ेगी और हकीकी माला से आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको तेल का दीपक जलाना होगा और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, इस मंत्र का आपको हर रोज इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आपको 21 माला और ये माला आपको लगभग 31 दिन तक लगातार करना है। उसके अंतराल में ही आपके कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी शक्ति आपके सामने आए या आपके कानों में आवाज़ दे, क्योंकि जब भी आपके सामने आएगी तो आपको बहुत छवि रूप में दिखाई देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, कान में आपको आवाज़ आना प्रारंभ हो जाएगा इस साधना के कुछ समय बाद ही, प्रारंभ करने के साथ ही। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात करें तो सर्वप्रथम वचन अवश्य ले लें, मंत्र जाप करते रहें जब तक वह वचन ना दे। 3 वचन अवश्य ले लें कि मैं जब भी बुलाऊँगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूँगा करना पड़ेगा और आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाओगे। और कर्ण पिशाचिनी को माता के रूप में देखें, यदि देखने की कोशिश करोगे तो वह आपको डरावना रूप भी दिखा सकती है और मोहनी रूप भी दिखा सकती है, तो इसलिए ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। आपको पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके रात्रि 9 बजे से प्रातः 3 बजे के मध्य में इस साधना को किसी समय कर लें, परंतु ध्यान रहे कि समय एक, जिस दिन भी आप साधना प्रारंभ करें तो एक समय निश्चित करें, हर रोज़ उसी समय आपको बैठना है। ऐसा नहीं कि आज 10 बजे बैठे, परसों 2 बजे बैठे, ऐसा नहीं होगा। जो समय निर्धारित करें उसी समय पर आप साधना प्रारंभ करें। और उस साधक भाई ने मुझे मंत्र दिया था, मैंने इस साधना को नहीं किया, ये मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी शक्ति को अनुकूल करके उसके साथ कर दिया था। गलती उससे ये हुई थी कि वह इस साधना के माध्यम से जब आगे बढ़ने लगा, लोगों के उनके बिना बताए लोगों के विषय में बताने लगा तो लोगों को बड़ा चंबा हुआ, तो उससे स्त्रियाँ उसकी तरफ आकर्षित हुई और वह स्त्रियों के साथ गलत रूप से व्यवहार करने लगा, जिसके कारण ये शक्ति रुष्ट हो गई। देखो, कोई भी शक्ति होती है, यदि व्यभिचारी करोगे तो शक्ति नहीं चलेगी, ये बिल्कुल असत्य है। व्यभिचारी त्यागनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। केवल जिसके साथ में जो आपके संगनी है उसके लिए छूट है, बाकी सबके लिए बिल्कुल बंद होगा, ऐसा नहीं चल सकता किसी भी शक्ति के साथ में। और जो ऐसा करते हैं वो ढोंग करते हैं, वास्तव में भक्त नहीं होते। वैसे शक्ति और भक्ति ईश्वर की करनी चाहिए, ईश्वर की शक्ति प्राप्त होना ही ज़्यादा अच्छा होता है। किंतु यदि कुछ साधकों की बार बार डिमांड है कि भाई हमें कर्ण पिशाचिनी की कोई साधना दो, तो ये एक और साधन मैं आपको दे रहा हूँ, मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम इम कर्ण पिशाचिनी फट, ओम इम, ओम इम, ए जो बड़ा ई आई होता है, ई होता है बड़ी ई, कर्ण पिशाचिनी फट, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 माला 31 दिन कंटिन्यू जाप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मांस मदिरा का भक्षण साधना के दौरान कोई सी भी हो नहीं किया जाता, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और
इस साधना को करते हुए आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। अनुभव ऐसे ही होंगे कि आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी दो चार दिन के अंदर ही सुनना प्रारंभ हो जाएगा। घबराएं नहीं, साधना को कंटिन्यू करते रहें। जब पूर्ण रूप से वार्तालाप होने लगे, पूर्ण रूप से शक्ति से बात होने लगे, तो आप उनसे वचन ले लें और आगे लोगों के कार्य सिद्ध करें। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, व्याभिचारी ना करें या किसी से ठगी का कार्य ना करें। जितनी भी मैं साधनाएं लोगों को बता रहा हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ, आप साधनाएं कीजिए, सफल होंगे। किंतु गलत प्रयोग करोगे तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। और इस साधना को आप कीजिए, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के मंत्र का आप पहले एक माला जाप कर इस साधना को प्रारंभ करें। इस साधना के करने के बाद आपको कान में धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे बारिश होती है ना, छिम 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 छिम, ऐसे हल्की हल्की आवाज़ कान में सुनाई देती है। और कुछ साधक भाई जो होते हैं उनके पास कर्ण पिशाचनियाँ होती हैं शक्ति, परंतु वो बताते ही हैं कि मेरे पास ये है वो है, परंतु वास्तव में कर्ण पिशाचनी होती है। परंतु कर्ण पिशाचनी शक्ति का जो सबके सामने उजागर इसलिए नहीं करते क्योंकि इन शक्तियों को कोई अच्छा बड़ा तांत्रिक पकड़ ले, कभी वो पकड़ ले, इसलिए अपनी शक्ति को कोई उजागर नहीं करता, तो ये कारण होता है। लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों के पास कर्ण पिशाचनी शक्तियाँ होती हैं जो दूसरे के बारे में बहुत भविष्य के बारे में सटीक जानकारी देते हैं, तो वो इस शक्ति के द्वारा ही देते हैं, कर्ण पिशाचनी के द्वारा। ठीक है, आप इस साधना को कीजिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।